नमस्कार, अराइज न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। हरियाणा में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, चुनावी माहौल गर्म होता जा रहा है। एराइज न्यूज हरियाणा विधानसभा चुनाव पर खास कवरेज दिखा रहा है। इसी क्रम में आज हमारी टीम पहुंची झज्जर के बादली विधानसभा क्षेत्र, जहाँ से पिछली बार कुलदीप बस कांग्रेस के टिकट पर विधायक चुने गए। इस बार भी वो कांग्रेस के टिकट पर बादली विधानसभा से चुनाव मैदान में हैं। उनका मुकाबला भाजपा के दिग्गज नेता ओम प्रकाश धनखड़ से है। हालांकि कुलदीप बस का कहना है कि बादली हलके में उन्होंने अनेकों विकास कार्य कराए हैं, जिसके चलते बादली की जनता उन्हें फिर से आशीर्वाद देगी और वो भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे। नमस्कार, अराइज न्यूज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं सतीश सुमित्रा कौशिक। आज हम बात कर रहे हैं बादली के बहादुर विधायक एवं बादली से कांग्रेस प्रत्याशी कुलदीप बस से। कुलदीप जी, आप बताएं कि जनता का रुझान बादली हल्के में क्या? जनता का रुझान आप देख लो ना, क्या मैं क्या बताऊंगी। मेरे इलाके का, मेरे काका का, होगा मेरे परिवार का पूर्ण रूप से मुझका आशीर्वाद है, कृपा है। और बादली की जनता ने यह मन बनाया है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया और अपने बेटे अपने भाई को यहाँ से अच्छे बहुमत से जिता के जब वोटिंग होगी तो पहली वोट चौधरी भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बनेगा। तो बादली हल्के की हिस्सेदारी होगी और मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र। अगर बादली की जनता ने आपको चुन के विधानसभा भेजा तो आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? बहुत कुछ है। मेरे इलाके का तो 10 साल नाच करने का काम बीजेपी ने किया है, उसको मैंने उस विकास की पटरी से जो करा हुआ काम उसको लाइन पर ले जाए, चाहे वो गाँव के विकास की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे युवाओं को सम्मान, बुजुर्गों को, किसानों को सम्मान की बात हो, पूरा रोड मैप मेरे दिमाग में चल रहा है, उसको पूरा काम। कांग्रेस का बादली में मुकाबला किससे? किसी से। वहीं इलाके के लोगों की माने तो बादली हलके में अभी बहुत सी समस्याएं हैं, लेकिन पूर्व विधायक कुलदीप बस से उन्हें काफ़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि बादली हलके में उन्होंने विकास के कई कार्य करवाए हैं, साथ ही वो जनता के लिए आसानी से मिल जाते हैं। आप इंटेक के जिला अध्यक्ष हैं झज्जर के, आप बादली हलके की समस्याओं के बारे में? सबसे पहले तो हम पिछले 10 साल से न तो रोड की कोई सुविधा है, न कोई रोजगार की कोई सुविधा है। तो मैं ही जो मजदूर संघ का जिले का अध्यक्ष हूँ, मजदूर जो बहुत ही परेशान है, क्योंकि 2005 में कांग्रेस की सरकार आने के बाद वहाँ मनरेगा को चालू किया गया। इस सरकार के अंदर मनरेगा के अंदर भी बहुत बड़ी दान हुई है, जो कि हम हर महीने 2000 पंडित जी को, सीईओ को हर महीने के अपन देते रहे, तो यह तो भ्रष्टाचार की मजबूत नींव खड़ी करे। आप नेवला के एक्स सरपंच हैं, आप बताएं बादली हलके में क्या क्या समस्याएं? समस्याएं तो जैसे बेरोजगारी की है, हमारे बच्चे 5 साल इंतजार करते रहे, अब नंबर आएगा, अब वैकेंसी निकलेंगी, अब नंबर आएगा वैकेंसी, लेकिन वो समय पूरा निकाल दिया, कोई चांस नहीं मिला। मेरे ख्याल से तो लास्ट तक भी यही रहा कि शायद अब नंबर आए। आप कुलदीप बस और कांग्रेस से क्या उम्मीदें करते हैं? वो देखो, कांग्रेस से तो हम पहले 10 साल भी हमने तो काफ़ी बच्चे हमारे लगे, काफ़ी हल्के की समस्याओं के बारे में बताएं। देखो जी, बादली हल्के की समस्या है, सबसे पहले तो जो बेरोजगारी जो बीजेपी सरकार है उसमें बहुत बेरोजगारी चलाई है, और सुरक्षा आप देख लो कितनी तरक्की मांगी जाती है, तो और स्वास्थ्य के देखो आप, स्कूलों के हालात देखो आप, सरकारी स्कूलों में बच्चे बिल्कुल ही ना मत कर जाते हैं, यानी हालात खराब है बिल्कुल स्कूलों के भी। हाँ जी, तो ये सारी समस्याएं बहुत गंभीर समस्या है देखी जाए तो, और जब तक इनका सुधार नहीं होगा जब तक हरियाणा के देश ही सकती है। इनका सुधार कैसे होगा, किससे उम्मीद करते हैं आप? देखो, हम कांग्रेस से उम्मीद करते हैं, और जो हमारे विधायक जी हैं ये इतने जुझारू, और संसद में देखो आप इनको कैसे जवाब लेते हैं, विरोध जो है कैसे बात करते हैं, तो
मेरा मानना है कि जो डॉक्टर साहब हैं उनसे अच्छा कोई है नहीं। सबसे बड़ी तो समस्या है साहब बेरोजगार, उसको फिर किसानों को भी कुछ समस्या हल नहीं करी है। जो अनाज के ऊपर वो दिया था वो भी पूरी अभी नहीं मिल रही। किसे को वोट देंगे? वोट किसे देंगे आप? हम कांग्रेस पार्टी को देंगे। क्यों देंगे कांग्रेस के? भारतीय जनता पार्टी 10 साल में कुछ वादा वादा किया है, कुछ किया नहीं। कट्टर आदमी था कुलदीप साहब, मेरे घर के सामने से निकलता था, मेरे पिताजी के पास होते थे। मेरे पिताजी नो कहते थे भाई बीजेपी की दूंगा तेरी नहीं दूंगा, जब भी पास होते थे वो। पर हम बीजेपी की अब छोड़ दिए जी, हम कुलदीप साहब की जेल है। विनय चौहान, आप कुलाना के एक्स सरपंच हैं, आप बताएं बादली हल्के में क्या क्या समस्या है? बादली हल्के में तो पानी की समस्या है, और जितना महिला की पॉलिस भी बन रहे हैं, और जो छोटी मोटी समस्या गलियों की तो चलती आई है, पर मेन समस्या ये है बच्चों की पढ़ाई की, एजुकेशन होनी थी, और वो एक मेडिकल की समस्या है बादली हल्के में, मेडिकल नहीं है, ये फैसिलिटी बहुत जरूरी है। मतदान किसे करेंगे आप? मतदान देखो जो भी पार्टी का व्यक्ति का नेता से सब होते हैं, पर एक अच्छा नेता की होती है क्वालिटी की, वो सबसे मिलजुल के समाज से जोड़ के तब वो पूछ के काम करता है, ये एक अच्छा नेता की होती है। तो आपकी नज़रों में अच्छा नेता कौन? अच्छा नेता वो ये जो सब पूरे समाज को एकजुट करके सबको भाईचारे के रखे, वो ही अच्छा नेता है। जैसे हमारे कुलदीप विधायक जी वो पहले भी और आप आगे भी बने। दीपक आप पूर्व जिला अध्यक्ष हैं युवा कांग्रेस, आप बादली हल्के की समस्याओं के बारे में। देखिए पीने के पानी की समस्या है, सड़कों की समस्या है, और किसान और मजदूर सड़कों पर रहा वो भी एक मुद्दा है, और जैसे हमारी बहन बेटियाँ हम बेटियाँ न्याय के लिए जंतर मंत्र पर गई, उनकी आवाज़ को लाठी से दबाने का काम किया गया, और हमारे जिधर जिला में बादली विधानसभा में हमारे बेटे हमारे भाई सबसे ज़्यादा फौज में जाते थे, उसको अग्निवीर कर दिया। यही सारे मुद्दे हैं। तो क्या है भाई, बादली विधानसभा की जो सम्मानित अधिकारी और सम्मानित जनता है वो वोट की चोट पर क्या है इस चीज़ का बदला लेगी, क्योंकि प्रजा जनता में वोट ही करती। कैसा क्या क्या रुझान देख रहे हैं आप जनता का? पूरे हल्के का दौरा किया, क्या दिखा, क्या एहसास किया? देखिए रुझान अच्छा है, कांग्रेस यहाँ से जीत रही है। गाँव के अंदर विधायक कुलदीप का इतना वो है, प्यार करते हैं लोगों से, उनका कारण ये है कि उनका स्वभाव बहुत अच्छा है, मिलनसार हैं, हर सुख दुख में गांव के किसी भी छोटे से छोटे कार्य में अगर किसी ने निमंत्रण दे दिया तो वो चाहे किसी टाइम पर पहुँचे, खुद पहुँचने की कोशिश करेंगे। यदि उनको फिर असमर्थता है, कहीं काम है विधानसभा में जा रहे हैं, तो उनके भाई है, लड़के हैं, कोई मिसिज, कोई ना कोई उनका सदस्य पहुँचता है। हरियाणा की हॉट सीट बादली में समस्याएँ बहुत हैं, इसलिए जनता का रुख स्पष्ट नहीं है। अब आने वाली 5 तारीख को देखना ये होगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। अराइज न्यूज़ के लिए बादली से सतीश सुमित्रा कौशिक।